जो पल्लवी का कैरेक्टर है ना वो बहुत मैं रिलेट कर सकती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ से भी. जो शादी के बाद ना मम्मी लोग भी छुपाती है चीज़ें कि तबीयत खराब है तो बताएगी नहीं कि क्यों तंग करना है. अगर हम लड़का होते तब तो आप ये नहीं बोलते. वैसे ही हमारे पापा ने भी माँ बाप दोनों का रोल निभाया. जैसे मैंने कनेक्ट किया है बींग अ वुमन, बींग अ गर्ल, बींग अ डॉटर, वैसे ही शायद और भी बहुत सारी बेटियाँ होगी, माँ होगी, पिता होंगे जो कनेक्ट कर पाए. हाय, दिस इज आयुष खुराना एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन IWFS. Okay, so firstly, Ayushi, welcome to IWM Buzz. Thank you. Big, big congratulations. Thank you so much. कैसा लग रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद you're back to the TV again. बस छोटा सा भी ब्रेक नहीं था, I'll be honest. मुझे पता भी नहीं था शो बंद हुआ है. और यू नो जिस दिन मेरे को न्यूज मिली उस दिन ऑडिशन हुआ है मेरा इसका शो. Wow. So I was thinking कि अगर कभी भी ऐसा हो कि यू नो एक शो ऑफ एयर जाता है तो तुम थोड़ा सा ब्रेक लेते हो, थोड़ा एक्सप्लोर करते हो, वेकेशन पे जाते हो. मुझे नहीं मिला टाइम. So you started. हाँ, so ये इसकी स्टोरी इतनी प्यारी स्टोरी है कि सुनते ही ना मन नहीं किया कि मैं थोड़ा ब्रेक लूँ. मैंने कहा नहीं यार ये तो करना है, ये नहीं जा सकता हाथ से. सो या दैट व्हाट हैपेंड. या आयुषी, आपने पहले भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निभाया है जो हमेशा अपने इसमें खड़ी थी. इस बार भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, क्या कहना चाहेंगी? व्हेन यू गेट द चांस टू प्ले अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बैक टू बैक, हाउ इज फील? सी बहुत यू नो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है. बिकॉज एक जब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहता है ना आपका तो आप बहुत लोगों को मैसेज पहुंचा रहे होते हो, बहुत लोग आपसे रिलेट कर रहे होते हैं, बहुत लोग आपको आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं. तो वो कैरेक्टर, वो रोल एक अच्छी तरह से निभाना इज़ ऑल्सो अ चैलेंज. बट पल्लवी में मुझे वैसा चैलेंजिंग नहीं लगा कुछ भी. बिकॉज जो पल्लवी का कैरेक्टर है ना वो बहुत मैं रिलेट कर सकती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ से भी. जो जैसी वो है, जो उसके पर्सपेक्टिव है, जो उसके विचार है, वो सब चीज़ों से मैं रिलेट कर सकती हूँ. सो आई थिंक इट्स बीन गोइंग गुड सो फार. मतलब बहुत अमेजिंग जा रहा है अभी तक और ज़्यादा चैलेंजिंग भी नहीं लगा है मुझे. बट हाँ, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ये बात है थोड़ी. आज की लड़की है, सेम यू कैन नो देयर इज़ अ टू मच कनेक्शन विथ योर लाइफ ऑल्सो, राइट? सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू कनेक्ट विथ हर पर्सनली? पर्सनली एक चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुई, जिससे कि जो उसकी एक सोच है कि जो उसने एक क्वेश्चन उठाया है कि पत्नी बनने के लिए बेटी बनना क्यों छोड़ूँ मैं. मतलब इज़ इट नेसेसरी? मतलब ये क्यों करना पड़ता है हम लड़कियों को ना, क्यों हम अपने घर में रह के अपने पापा या मम्मा का ध्यान नहीं रख सकते, क्यों हमें घर से जाना होता है शादी करके. सो ये एक चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा मुझे कनेक्ट कर गई थी. बिकॉज मेरी भी बड़ी बहन है जिसकी शादी हो गई है और अभी मेरी भी शादी हो जाएगी तो मम्मा पापा अकेले हो जाएंगे ना. तो वो मैं बहुत सोचती हूँ कभी कभी कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाऊंगी, बट एक जो होती है ना ज़रूरत, एक औलाद हमारे पास हो वो अलग होता है और एक दूर से अगर मिल रहा हो तो वो अलग होता है. वो सामने से तुम कभी कभी क्या होता है, अगर हम लोग शादी के बाद ना मम्मी लोग भी छुपाती है चीज़ें कि तबीयत खराब है तो बताएगी नहीं कि क्यों तंग करना है. सो वो चीज़ मैं कभी नहीं चाहती कि ऐसा हो. और वो चीज़ पल्लवी भी नहीं चाहती कि यहाँ पे हो, क्योंकि पापा भी ऐसे ही है कि कभी उनको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी जैसे जयदेव तो वो नहीं बताएंगे. बिकॉज ही इज़ अ फादर ना, ही डजंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब देयर चाइल्ड. और वो बहुत बार तनु और दीपू घर आते हैं तो भी वो कहते हैं कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट मन में उनको कितना दुख हो रहा है कि मेरी बेटियाँ जा रही है. वो तो चीज़ वो कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा ना. तो ये पापा की भी स्टोरी है, पापा के साइड से भी उनका भी व्यू पॉइंट है, जो आई थिंक यू नो आदमियों का हम ज़्यादा दिखाते नहीं टी वी में कि वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग क्या फील करते हैं. So that's what makes it very unique and lovable. Yeah. So वो मुझे बहुत अच्छा लगा. आयुष लड़कियों को यही बोलता है कि तुम पराया धन हो, तुम एक दिन तो तुमको अपने घर पे जाना है. ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा घर नहीं, मेरा ही घर है. जो भी करना अपने घर पे करना. Exactly. रियल लाइफ में कितना आपकी माँ बोलती थी? मेरी मम्मी तो मुझे नहीं बोलती वैसे, बट मैंने सुना है, दादी आदि से सुना है. मेरी मम्मी ऐसा नहीं बोलती, मेरी मम्मी यही तुम्हारा घर है, यही सब कुछ है. बिकॉज लड़का नहीं है ना हमारे यहाँ, लड़की है जो भी है. तो हाँ मैंने सुना है ये चीज़, मैंने बहुत सुनी है कि एक दिन तो तुम्हें जाना ही है, ये तुम्हारा घर थोड़ी है, ये तुम पराया धन होती है लड़कियाँ. तो मुझे अच्छा नहीं लगता. मैंने कहा दैट हिट्स यू हार्ड. और यही हमने जन्म लिया है, ये हमारा घर है, आप हमारे पेरेंट्स हैं. अगर हम लड़का होते तब तो आप ये नहीं बोलते, तो क्यों वो फ़र्क करना है? जब एक सिंगल एक औरत अगर अकेली बच्चों को बड़ा करती है तो वो माँ बाप दोनों का रोल निभाती है. वैसे ही हमारे पापा ने भी माँ बाप दोनों का रोल निभाया. तो जब उन्होंने ये नहीं सोचा कि माँ तो सिर्फ औरत होती है, आदमी भी माँ बन सकता है ना, आदमी के मन में भी ममता हो सकती है ना, तो वैसे एक लड़की क्यों लड़की बन के चली जाए? वो तो लड़का बन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकती है. सो वो एक चीज़ है पल्लवी की कि
आप मुझे बच्चा ही रहना, तो मुझे बेटा या बेटी मत बनाओ, मैं आपका बच्चा हूँ, बच्चा ही रहूंगी, मैं आपकी जिम्मेदारी उठाऊंगी, उठाती थी, और आप ही मेरी प्रायोरिटी हमेशा रहोगे. नो, सोसाइटी चेंजेस आ रहा है. सोसाइटी चाहती है कि उनकी बेटी उनके साथ ही रहे. नो, गर्ल्स वॉन्ट्स कि मैं शादी के बाद अपने घर पे ही रहूँगी. सम गर्ल्स डोंट वांट टू मैरी आल्सो बिकॉज़ शी डजंट नो कि वो अपने इस पे स्टैंड है. सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू सेंड दिस मैसेज आउट, बिकॉज अभी अगर चेंज हो सकता है तो हो सकता है. यू नो, ये ही एक सही टाइम है जब लोग समझेंगे भी, बिकॉज अभी बहुत सारी लोग बहुत ओपन माइंडेड हो गए, लोगों का पर्सपेक्टिव अब चेंज होने लगा है लाइफ को लेके. यू नो, बहुत सारे जो बिलीव्स थे हमारे पहले ज़माने में वो अब नहीं रहे उतने. ससुराल वाले भी और हस्बैंड भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गए अभी. तो आई थिंक यही एक राइट टाइम है जब ये मैसेज को हम पहुँचा रहे हैं बाहर, तो वो लोग समझेंगे, वो लोग कनेक्ट करेंगे और शायद कुछ चेंज आए. लुक में काफ़ी अलग आया है, समथिंग डिफरेंट नाउ, लाइक Indo Western look, right, you can say. Right, totally. I'm loving all this look. Oh, thank you like so formal much. With this kurta. हाँ, so ये उसका एकदम office वाला look है. कुर्ते के साथ formal pants जो हमने शायद नहीं देखी. It's a different look. We never seen. With a like Lucknowi kurta. I think लोग follow भी करने लग जाए, मेरे को बहुत खुशी होगी अगर ऐसा होता है. Definitely. So yeah, look पे बहुत काम किया. Thank you to my stylist and channel production and everybody. Okay, Ayushi, जब बात किया जाए, जब आप चेंज लाने की कोशिश करते हो सोसाइटी में, फ्यू पीपल विल ऑलवेज क्रिटिसाइज यू और द शो. हाउ यू आर रेडी टू टेक दैट चैलेंज? पता नहीं यार, नॉट प्रिपेयर्ड येट. अभी तक तो कोई भी मुझे क्रिटिसिज्म नहीं देखने मिला है. मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत यू नो हार्ट वार्मिंग मैसेजेस भेजे हैं, ये कह के कि हमारे दिल के करीब की स्टोरी है. मतलब बहुत लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, ऐसे दुनिया में. आई थिंक एवरी इंडियन गर्ल विल कनेक्ट. तो मुझे ऐसे ही मैसेजेस आए, प्यारे प्यारे, सपोर्टिव. तो अगर कुछ क्रिटिसाइज भी होता है तो आई थिंक मैं नहीं दूंगी उस पर इतना ध्यान, बिकॉज आई ऑलवेज लुक टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड एंड नॉट द नेगेटिव. तो ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि किसी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव अलग है. ये पल्लवी का पर्सपेक्टिव है. आपको पसंद आए ना आए, वो ज़रूरी नहीं ना हमारे हर पर्सपेक्टिव आपको पसंद आए. तो ये हमारा काम है, हम उस पर्सपेक्टिव को दिखा रहे हैं. अब वो ऑडियंस के ऊपर है, बहुत लोग पसंद नहीं भी करेंगे, बहुत लोग पसंद करेंगे. आई डोंट नो कैसा होगा रिएक्शन, बट आई एम जस्ट होपिंग कि जैसे मैंने कनेक्ट किया है बींग अ वुमन, बींग अ गर्ल, बींग अ डॉटर, वैसे ही शायद और भी बहुत सारी बेटियाँ होगी, माँ होगी, पिता होंगे जो कनेक्ट कर पाएंगे. जी जी, एक मैसेज हो जाए ऑडियंस के लिए जो हमेशा प्यार देती हुई आई है, वेदर इज अर्जुनी और दिस न्यू शो आगन. आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है अर्जुनी में, बहुत प्यार दिया है, इतनी जल्दी प्यार दिया है कि यू नो मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा. बट थैंक यू सो मच सबके लिए. मेरा एक नया शो आ रहा है आंगन अपनों का, 11 दिसंबर से रात 7:30 बजे. ज़रूर देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा हम सबको. इट्स वेरी different and cute and loving story. आप लोग को बहुत पसंद आएगी. So बस देखिएगा ज़रूर. Thank you so much.